एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप थंबनेल में देखा हो कि हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बुर्ज खलीफा। मैंने सोचा कि अब दिवाली का टेंपल तो बहुत सारा बना लिए, लेकिन एक घिरौना बनाएंगे जो कि जिसका स्ट्रक्चर रहेगा बुर्ज खलीफा के तरह। तो मैंने सोचा कि यही है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, यही हम तैयार कर रहे हैं बुर्ज खलीफा। इसे स्टेप बाई स्टेप कैसे बनाया गया हर एक चीज को यहाँ पे हम आप सबको समझा देंगे। इसको कैसे बनाया गया आप लोग देखिएगा, किस तरीका से स्टार्ट किया गया, किस तरीका से इसको एंडिंग करके पूरा फिनिशिंग करके इसको बुर्ज खलीफा को इस फोटो की तरह बनाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट किए हैं 11 इंच का फॉर्म लिए हैं। इसका साइज है, इसका डिस्टेंस है 11 सेंटीमीटर और ये जिसका थिकनेस है, ये थर्माकोल है, थर्माकोल का थिकनेस है 1.5 इंच। ये 1.5 इंच का फॉर्म है और 1.5 इंच को हम 2 बार काटे हैं एक ही साइज का। दोनों काट के एक ही में चिपका दिए, आप लोग यहाँ से देख सकते हो दोनों के एक ही साइड में चिपका दिए। जब दोनों चिपक गया, इसको साइड साइड से मैंने क्या किया है, इस तरीका से काटे हैं जो कि वीडियो के माध्यम से आप सब देख रहे हो, इस तरीका से काटे हैं। जब अच्छे से काट देने के बाद इसको चौकोर बनाया गया अच्छे से, उसके बाद फिर से मैंने काट के इस तरीका से इसको बराबर किया। जब ये दोनों साइड से बराबर हो जाता है, इसको सिरेज कागज से मैंने क्या करना है, सिरेज कागज से इसको सिरेज कर देना है, जिसके वजह से क्या होगा बुर्ज खलीफा का जो हर एक साइड वाला बिल्डिंग है जो कि इस साइड का बिल्डिंग है वो तो इस तरीका से दिखाई देगा। इसको चारों तरफ से मैंने क्या किया, इसको स्क्रेच कर दिया, जो कि स्क्रेच कागज ये होता है जो कि कोई भी दुकान में हार्डवेयर के दुकान में मिल जाएगा ये वाला। अब इसी से हम क्या करेंगे, हम इसको इसे स्क्रेच करके पूरी तरीका से इसको गोल करेंगे, जैसे बुर्ज खलीफा दिखाई देता है इस तरीका से हमने गोल करना है। गोल करना है चारों तरफ से, इसलिए कि सामने का पोर्शन हो गया जो दोनों तरफ से गोल दिखाई देता है और बैक वाला जो पोर्शन है, मतलब ये फ्रंट वाला है और बैक वाला, दोनों गोल ही होगा। तो सबसे पहले मैंने इसका बॉर्डर बना लिया, दोनों को चिपका को धूप में अच्छे से सुखा दिए, उसके बाद इसको काट के इसको स्लेस करके अच्छे से गोल कर दिया, जो कि इस तरीका से आप सबको दिखाई दे रहा है। जब इस तरीका से कंप्लीट हो गया है, तब क्या करना है, इसको प्रेस करके ये कंप्लीट हो गया है, तब ये क्या करना है, हमको एक एक करके चिपका देना है सबको एक दूसरे से। अभी ये चिपकाया नहीं है, इस तरीका से बराबर नहीं चिपकाया गया है, इसको चिपकाने के लिए थोड़ा सा बुर्ज खलीफा इस तरीका से गड़ गया, इसीलिए बीच वाला पीछे उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ये उसके साइड वाला उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसके साइड वाला उससे थोड़ा सा ऊपर रहेगा, उसके साइड वाला, यानी कि ये सब, यानी धीरे धीरे हल्का हल्का इसे ऊपर रहेगा और ये साइज रहेगा इस तरीका से, ऊपर से दिखा दो, ये साइज रहेगा इस तरीका से। तो ये हम लोग का दो दो थर्माकोल यहाँ पे लगाया, दो दो को लगाए हैं, ये 11 इंच का है और ये थर्माकोल का पूरा जो साइज होता है उसको मैंने लिया है, मतलब इस साइज का पूरा साइज होता है इसको मैंने लिया है। इस तरीका से करके दो को हम एक दूसरे से अभी ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद इसको चिपका देंगे, उसके बाद इसका बेसमेंट बनाएंगे। बेसमेंट एक बिल्डिंग की तरह होता है, जैसे कि बुर्ज खलीफा का फोटो देखिएगा तो एक बेसमेंट बना हुआ है, एक जाने का रास्ता भी होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे घिरौना बना रहे हैं, तो मतलब मंदिर बना रहे हैं, छोटा सा मंदिर टाइप का, तो उसमें जाने का एक रास्ता होना चाहिए कि उसमें लक्ष्मी जी का या गणेश जी का मूर्ति को रख दिया जाए, इसलिए हम छोटा सा वहाँ पे गेट बनाएंगे। ये अपने से मैंने डिजाइन किया है, बुर्ज खलीफा के ऊपर ये जो गुम्बज टाइप का दिखाई दे रहा है इसको मैंने वहाँ से चिट किया है, उस तरीके से बनाया है, और इसके अंदर वाला नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको मैंने चेंज कर देना है, चेंज करके वहाँ से बनाएंगे कि हाँ यहाँ से जाने का रास्ता है, साइड साइड में गोल्डन कलर से बॉर्डर बना देंगे जो कि देखने में खूब ज़्यादा खूबसूरत लगे। चलो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इसको बनाएंगे और किस तरीके से चिपकाना है, ये भी ध्यान से देखिएगा आप, तभी आप सबको समझ में आएगा, अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं।
से मत कर दो।